और बड़ी खबर आपको बता दें, तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद के बाद एक्शन में लखनऊ में प्रशासन ने अभियान चलाया है। लखनऊ के बड़े मंदिरों में एफएसडीए का अभियान, हनुमान सेतु मंदिर प्रांगण की बात करें तो यहां पर प्रसाद दुकानों में जांच शुरू की गई है। प्रसाद के लिए बनाए जा रहे लड्डू, जिनका सैंपल लिया गया है, लड्डू में बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी भी जांच हुई है। जो सामग्री इस्तेमाल इस लड्डू बनाने में की जाती है उसके सैंपल्स लिए गए हैं। दुकानदारों को मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मानकों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की भी यहां पर हिदायत दी गई है। अधिकारियों की तरफ से भी इसको लेकर के कहा गया है, दुकानदारों को मानकों का पालन करने के लिए कहा गया है, अन्यथा सख्ती बरती जाएगी, ये भी साफ किया गया है। तो लखनऊ में मंदिरों में एफएसडीए का अभियान, तिरुपति में प्रसाद विवाद के बाद एक्शन में लखनऊ में टीम नजर आई और प्रसाद दुकानों में सैंपल्स इकट्ठा करते हुए टीम दिखाई दी। लड्डू में जो भी सामग्री इस्तेमाल की जाती है उसे बनाने के लिए, उन सभी चीजों का सैंपल लिया गया। घी और प्रसाद में बनाने वाली तमाम जो सामग्री है उसके सैंपल्स यहां पर लिए गए। मंदिर प्रांगण के प्रसाद दुकान में यहां पर टीम पहुंची, दुकानदारों को मानकों का पालन करने के लिए सख्ती से कहा। तो तिरुपति में प्रसाद विवाद का मामला गरमाया, जिसके बाद लखनऊ में इसका रिएक्शन देखने को मिला और लखनऊ में सख्ती बढ़ती जा रही है। अब खास तौर पर बता दें तो यहां पर प्रसाद के दुकानों में टीम्स पहुंची, एफएसडीए का अभियान यहां पर चला है और प्रसाद दुकानों से सैंपल्स जुटाए गए हैं और सैंपल्स की जांच की गई। साफ तौर पर जो दुकानदार है उनसे मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रसाद बेचने का, इसके साथ साथ बनाने को लेकर के भी निर्देशित किया गया है। और खबर पर जानकारी के लिए मयूर शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, देखिए तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद देश भर में जिस तरीके से आक्रोश था और ये इमोशनल कनेक्ट एक तरह से लोगों के लिए था, अब लखनऊ में इसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ में भी अभियान चलाया गया है एफएसडीए द्वारा। ना बिल्कुल, देखिए जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आया तो भावनाएं तो आहत जरूर हुई है, लेकिन देश भर के जो बड़े मंदिर हैं वहां पर हड़कंप भी मच गया है। लखनऊ की अगर बात करें, सबसे प्राचीन प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर सिर्फ अलग अलग जिलों से ही नहीं, पूरे राज्य भर से या दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुंचते हैं। तो यहाँ पर एफएसडीए की टीम पहुंची थी, उसने सैंपल लिया और सैंपल के बाद अब तय होगा कि यहाँ का प्रसाद कैसा है। फिलहाल आप देखिए जो दुकानें हैं प्रसाद की, हनुमान सेतु मंदिर के जो प्रमाइसेस है वहाँ पे मौजूद है और ये लड्डू यहाँ पर लगातार बन रहे हैं और किस तरीके से ये पूरा इसका प्रोसेस होता है और कौन कौन सी सामग्री इसमें जो है इस्तेमाल होती है, इसकी जांच के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। हमने अपनी एक रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजों को बनाया जाता है, लेकिन इन्हीं से हम पूछते हैं और जानते हैं कि ये क्या क्या चीजों का इस्तेमाल इसमें करते हैं और कैसे पता चलता है कि ये शुद्ध है कि नहीं है। जो घी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसा है भैया? हाथ में पकड़ते जानकारी हो जाती है कि ये घी अच्छा है कि नहीं है? जी भैया, हो जाता है, जानकारी हो जाती है। तो अभी लड्डू का मामला सामने आया कि उसमें सब चीजें मिली हुई थी, ऐसी चीजें जो नहीं होना चाहिए था, यहाँ की एफएसडीए की टीम पहुंची थी, यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ तो कल भी जांच आई थी, भैया लोग आए थे, अभी हमें नहीं मालूम है, कल जांच हुई है, वो लोग आते भी हैं अभी। यहाँ का लड्डू वगैरह सब शुद्ध है? यहाँ बिल्कुल समझिए बिल्कुल शुद्ध होता है, यहाँ कोई मतलब मिलावट वाला काम नहीं होता इस तीनों दुकान में। कैसे बनाते हैं आप लड्डू वगैरह यहाँ? क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल होता है? इसमें बेसन है और भूरा शक्कर है और देसी घी होता है। जो देसी घी आप बता रहे हैं मार्केट से खरीदते हैं? जी, चौक से आता है। चौक से आता मार्केट से, तो वो कैसे पता चलता है कि घी सही है कि नहीं? अब सर हमें तो मालूम नहीं, लेकिन भैया लोग मंगाते हैं, लेकिन कभी आज तक हमको 12 साल काम करते हो गया है। देखिए 12 साल इनको काम। हाँ भैया, घी का कैसे पता चलता है कि घी सही है? भैया वहाँ जाते रहते हैं दुकान के चौक, घी जाते बनते हुए देखते हैं। हाँ भैया जाते हैं, घी में ही धांधली सामने आई है। नहीं, वीरेन भाई जाते हैं, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड जो भी होता है उनका, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होता है, उस हिसाब से हम लोग आता है वहाँ पे। अच्छा, बीच बीच में जांच वगैरह आपके सैंपल लिया जाता है? हर 3 महीने पे लगभग होता रहता है, यहाँ पे जांच जाती रहती है, फिर आते हैं लोग, हर 3 महीने पे होता लगभग। जब ये पता चला होगा, आपको जानकारी हुई होगी कि इस तरीके का मामला सामने आया, आप लोग के मन में भी एक संदेह आया होगा कि यार ऐसा कैसे हो गया? नहीं, वो चीज तो वहाँ पे बहुत गलत थी जो सुनाई पड़ी है, बाकी अब जो उन्होंने किया वही बता सकते हैं। क्या भगवान का भी डर अब लोगों को नहीं रह गया कि अगर चर्बी मिला के प्रसाद में बेचेंगे तो कैसे काम? नहीं, बिल्कुल सही बात है, डर तो नहीं रहा लग रहा है,
जिस हिसाब से सामने आ रहा मामला, तो उस हिसाब से डर तो नहीं लग रहा है। देखिए, कह रहे हैं कि ये लोग पूरे शुद्ध बनाते हैं, इनकी जांच भी होती है, हर तीन महीने पर यहाँ पर FSDA की टीम आई भी थी, सैंपल इनसे लेकर गई है। कहना है कि जो बेसन है और जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं, चीनी, भूरी चीनी इसमें पड़ती है लड्डू में, ये अपने घर पे बनाते हैं, अपने सामने तैयार करते हैं, लेकिन जो घी आता है, मयूर यहाँ पर भी सख्ती बरती जा रही है, जो पूरा मामला सामने आया है ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लिहाजा यहाँ पर अब टीम जो है वो लगातार सख्ती से इनका पालन करवाने का प्रयास भी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच